मैं आपको उसी गुफा में लेके आ रहा हूँ, और बहुत नीचे है ये गुफा। यहाँ पे किसी ने प्रयास किया इसके अंदर जाने का? तो पहले मचाल जर के कहीं हम सतयुग में किसी तो मचाल जर जर के कितनों हजार और पीपा जन कितने तेल भूखे तो मसाल होंगे अंदर आदमी घबरा घबरा के मन गए अंदर नहीं जा पाए अंदर नहीं जा पाए पर वो वापस से लौटे ही नहीं। किस तरह आज भी वो वैसे ही देखने को मिलती है, और जिसने भी प्रयास किया बीते दिनों में यहाँ पे इसके अंदर जाने का वो वापस नहीं आया। हज़ारों लीटर तेल जो यहाँ पे लग गया, मशाले ख़त्म हो गई, लेकिन अंदर इसका समापन यानी कि इसकी जो गुफा का एंड है वो नहीं आया। ये कच्ची गुफा है, अंदर ये कमरे बने हुए बहुत पूरी तरह के है, अब इसके कोई पता नहीं है कहाँ जा रही है कहाँ रुकी है। ये पृथ्वी का सबसे पहला मंदिर है, पृथ्वी का, हाँ पृथ्वी का पहला मंदिर, और भगवान विष्णु पृथ्वी पर यहीं आए पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे, और आप देख रहे हैं मोहित व्लॉग्स। आज मैं आपको दर्शन कराने के लिए लेकर आया हूँ ब्रज में एक ऐसे स्थान पे जहाँ भगवान कृष्ण की और श्री राम जी की लीला रही है। जी हाँ, मैं हूँ इस टाइम पर मधुबन में। यहाँ किस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी की भी लीला रही है वो आप आगे जानेंगे वीडियो में। यहाँ भगवान कृष्ण की तो ये लीला है कि उन्होंने यहाँ पे गैया चराई है अपनी, और मैं आपको दिखाना चाहूँगा, मैं हूँ उस टाइम पर ध्रुव जी के मुख्य स्थान पे, आप पीछे पढ़ सकते हैं श्री ध्रुव नारायण मंदिर। चलते हैं अंदर और आपको यहाँ पे आज समीप से दर्शन कराएंगे, और जो यहाँ की कथा है वो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। जैसे ही सतयुग में मनु सतरूपा से शुरू हुई है सृष्टि, जब ध्रुव जी ने जन्म लिया था तब से तो ये ध्रुव नारायण का मंदिर है। तपस्या की उन्होंने और भगवान ने दर्शन दिए, नारद मुनि ने उनको बताया था यहाँ तपस्या करो। इसके आगे त्रेता युग में जब भगवान राम भये थे तब लवणासुर राक्षस था मथुरा का, उसको शत्रुघ्न ने मार के और यहाँ पर राज स्थापित किया। और द्वापर में यहाँ पर कृष्ण ने गोपियों के साथ और ग्वालों के साथ गाय चराई थी, तब से इसका नाम मधुबन हो गया है। यहाँ पास में होली गांव है, इसीलिए इसको मधुबन कहते हैं। अब इसको मधुबन कहा जाता है, अब इसको मधुबन कहा जाता है। यहाँ ध्रुव नारायण जी का मंदिर है, ये मधुबन का है, मधुबन का है। अभी यहाँ पे दर्शन भी कराएंगे सभी को, और मर्जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप आज हमें यहाँ पर दर्शन कराने के लिए लेकर आए। चलते हैं अंदर और एक बार सभी को दर्शन कराते हैं महाराज जी। यहाँ पे जो आप ये स्थान देख रहे हैं उधर है हनुमान जी का मंदिर, सामने आप जो देख रहे हैं सीढ़ियाँ जा रही हैं ऊपर, और यही वो स्थान है जहाँ पर हम आप सभी को आज दर्शन कराने के लिए लेकर आए हैं। ये है ध्रुव जी की अटारी, यानी कि ऊपर जाके आपको दर्शन होते हैं, और यहाँ पे जैसे मैंने बताया हनुमान जी का मंदिर है। एंट्रेंस है, यहीं से आप अंदर आएंगे, और अंदर आने के बाद में इस प्रकार का यहाँ पे कुछ नज़ारा है। जो द्वार है वो है ये सामने। महाराज जी, यहाँ की कथा के बारे में बताइएगा। यहाँ का ऐसा है कि ध्रुव जी कानपुर के हैं, उत्थान राजा के लड़के थे, उसकी दो पत्नियाँ थीं, आपने भागवत में तो सब पढ़ा होगा श्रुति और स्मृति। तो एक दिन ध्रुव जी ने महल में गया तो उसका भाई था, ओरमान माँ थी उसकी, और उसकी बाजू में बैठी थी, और उसका भाई था उत्तम नाम था उसका, तो वो गोद में बैठा था पापा की, तो उसको गोद में बैठने की इच्छा हुई तो उसकी माँ ने, सौतेली माँ ने ना बोल दिया कभी तेरे में, तेरे को इसमें बिठने का अधिकार नहीं है। तो वो तो दुखी हो गया, इसकी माँ के पास गया, इसकी माँ को बोला कि वो मेरे को तो माँ ऐसा बोला है कि तुमको बैठने का अधिकार, जो पापा मेरा भी है उनका भी है तो मेरे को क्यों नहीं। तो बोला नहीं सही बात है, वो अधिकार उनका ही है। तो बोला मेरे को बैठने के तो बोला तू भगवान के गोद में बैठ, उनके गोद में बैठने की क्या बात कर रहे। तो बोला भगवान के गोद में बैठने के लिए क्या करना पड़े।
तो बोला तपस्या करना पड़े, तो बोला तपस्या करने में जाऊँ भगवान प्राप्त करूँ, बोला ऐसे भगवान थोड़ा मिल जाएगा, तपस्या करना बहुत कठिन काम है। तो उसने बहुत जिद किया, फिर उसने माँ ने समझाया तो भी नहीं समझा, तो उसके बाद वो उसने माँ को बोला आशीर्वाद दो, तो उसकी माँ ने उसको आशीर्वाद दिया, तो घर से निकल पड़ा। जैसे घर से निकल पड़ा तो रास्ते में नारद मुनि को मालूम पड़ा, नारद मुनि उसको मिले, नारद मुनि ने समझाया कि बेटा कहाँ जा रहा है, तो बोला मैं भगवान की तपस्या करने जा रहा हूँ। तो बोला तपस्या ऐसे थोड़ी होती है, वो तो बहुत कठिन है, वो भगवान पाना बहुत मुश्किल है। तो बोला क्या है, तो बोला मेरे पापा की गोद में तेरे को बैठना है, चल मैं तेरे को बिठा देता हूँ। तो वो उसका मन मक्कम हो गया और कि मैं घर से निकला हूँ और मेरे को पापा की गोद तो अभी मिल रही है, तो भगवान जरूर मेरे को प्राप्त होगा। तो उसने समझाया ध्रुव जी, नारद मुनि ने ध्रुव जी को, तो भी नहीं समझे, तो ध्रुव जी ने बोला कि आप मेरा गुरु बनो और आप मेरे को बताओ रास्ता भगवान कैसे प्राप्त होगा। तो ध्रुव जी ने नारद मुनि ने सोचा कि ये तो बहुत लड़का मक्कम हो गया है और जिद कर रहा है, तो ये जरूर भगवान को प्राप्त कर सकेगा। तो नारद मुनि ने उसको बोला कि तुम मधुबन जा, मधुबन पे एक यमुना नदी है, यमुना नदी के किनारे पे जाके माटी का पहले स्नान करो, स्नान करने के बाद माटी का एक मिट्टी का भगवान बनाओ और ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करो, ओम नमो भगवते का जाप करो, भगवान जरूर तेरे को प्राप्त होगा। तो उसका गुरु बने नारद मुनि और वो यहाँ पे आए, यहाँ सतयुग में यमुना नदी थी, सतयुग में, तो वो आए यमुना पे और स्नान किया, स्नान करने के बाद वो माटी का बनाया भगवान, और माटी का भगवान एक पैर के खड़े रह के उसने ओम नमो भगवते का जाप किया और एक महीने में उसने तीन दिन के बाद वो पान पत्ता वो भोजन खाते थे, उसके बाद दूसरे महीने 6 दिन किया, तीसरे महीने 9 दिन किया, चौथे महीने 12 दिन, 15 दिन, ऐसे दिन बढ़ाता गया, 6ठे महीने में उसका खुद का श्वास बंद कर दिया। तब देवी देवता सब परेशान हो गए और देवी देवता परेशान होकर भगवान के पास गया, भगवान को बोला कि ये सब क्या हमारा शरीर में ऐसे कैसे हो रहा है, ये सब हमको तकलीफ क्यों हो रही है। तो बोला पृथ्वी पे एक बालक है वो तपस्या कर रहे हैं, तो बोला तो क्या करने का, कुछ करो रास्ता। भगवान बोला ठीक है मैं अभी जा रहा हूँ, आपको सब बराबर हो जाओगे। तो भगवान यहाँ आए और ध्रुव जी तो यहाँ बस तपस्या कर रहे, ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप कर रहे, और भगवान ने उसको अंदर से दर्शन दिया। तो भगवान समझ गए कि अंदर से दर्शन दो, अभी बाहर दर्शन दूँ, तो अंदर का दर्शन बंद के बाद दर्शन दिया। तब ध्रुव जी ने उसको प्रणाम किया और उसको बोलने की इच्छा बहुत थी, पर ध्रुव जी को पाठशाला में पढ़ने गया नहीं था, तो भगवान ने उसको उसका संग टच किया यहाँ पे, और टच किया तो उसको पूरा ज्ञान आ गया। तो ये 12 श्लोक लिखा है, 12 श्लोक वो ध्रुव जी यहीं बोले, ये 12 श्लोक है वो ध्रुव जी ने यहाँ बोला है। तो फिर उसने बोला कि अब मेरे को आपके साथ लेके चलो, भगवान बोला नहीं तेरे को तो भाई गादी पे बैठना है। तो उसके बाद उसने 36,000 साल शासन किया। फिर उसको मूर्ति देवी लेने आई, तो मूर्ति देवी के सर के ऊपर पैर रख के वो यमलोक में गए, अभी उसका अलग स्थान मिल गया है, ध्रुव तारा भी है आज। तो ये यहाँ ध्रुव महाराज की सब कहानी है, ये कहानी है। महाराज जी जैसे कि हम विग्रह के दर्शन कर रहे हैं, तो ये कितना प्राचीन हो गए यहाँ पे विग्रह भगवान का, बहुत साल हो गए, इसका कोई डेट है नहीं इतना। जब पृथ्वी का सबसे पहला मंदिर है, पृथ्वी का, हाँ पृथ्वी का पहला मंदिर है, और भगवान विष्णु पृथ्वी पर यहीं आए पहले, यहीं आए। और मंदिर में जैसे कि हम देख रहे हैं महाराज जी, मंदिर काफ़ी ऊँचे उसमें है, तो ये पर्वत हुआ करता था पहले? नहीं, यहाँ इसी बहुत बड़े ऋषि मुनियों ने तपस्या की है जी। तो ये सब इसकी ऐसे बोल रहे हैं कि इसके अंदर सब समाधि है बड़े बड़े ऋषियों की। अच्छा, इसके अंदर मंदिर के अंदर, अभी ये टीला है ऊपर है जी। हाँ, और महाराज जी मंदिर का जीर्णोद्धार तो बहुत साल हो गया है, बहुत साल हो गया। और आपका शुभ नाम जानना चाहेंगे महाराज जी? नाम जगदीश जी। सेवा में ही आप? ना, मैं गुजरात से हूँ। अच्छा, सेवा में ही आप? हाँ, सेवा में। बहुत अच्छा लगा महाराज जी आपसे भेंट करके और कथा सुन के। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे। आप ऊपर देखेंगे मंदिर में चारों तरफ आपको श्लोक देखने को मिलेंगे, ये देखो आप पढ़ सकते हो।
आपको हमने मंदिर में दर्शन कराए, मंदिर में आपने दर्शन किए, आनंद पूर्वक आपने कथा सुनी और जो यहाँ का महत्व था वो जाना। अब मैं आपको लेके चलता हूँ बाहर की तरफ और जो बाहर यहाँ के जो मुख्य दर्शन हैं और भी वो मैं आपको कराता हूँ। देखिए मंदिर है उस तरफ जो मैंने आपको दिखाया है और वहाँ से मंदिर से मैं आया हूँ थोड़ा सा आगे चल के यानी कि बैक आके और यहाँ पे एक कच्चा रास्ता जा रहा है जो कि आपको उस गुफा में लेके जाएगा जहाँ पे लवणासुर का वध किया था। और आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा भी है शिव नारायण प्राचीन लवणासुर की गुफा, यहीं पर वो गुफा मौजूद है। चलते हैं अंदर और आपको समीप से दिखाएंगे हम वो दर्शन जो यहाँ पे मौजूद है। इस टाइम पर मैं आ चुका हूँ गुफा के बिल्कुल पास में। आप देख सकते हैं यही वो गुफा जा रही है जहाँ पे वो अंदर वो गुफा मौजूद है। अंदर चलते हैं और आपको अंदर से दर्शन कराते हैं कि किस तरीके से आज भी उस गुफा के दर्शन होते हैं और किस तरीके से हमें क्या यहाँ पे देखने को मिलता है। उसी गुफा में लेके आ रहा हूँ और बहुत नीचे है ये गुफा यहाँ पे। यहाँ की कथा के बारे में बताइएगा आप हमें, क्या यहाँ की कथा है? तो यहाँ की कथा है ये पहले प्रथम वनम मधुबन यमुना तट है, यहाँ यमुना जी बहती थी। ये बहुत सतयुग की गुफा है। यहाँ एक मधु कीटव रहता था। तो जब रामचंद्र जी वनवास करके आए तो तीनों भाई ने वनवास में यहाँ भरत जी ने तो वहाँ अयोध्या में तपस्या करी थी और वनवास में रामचंद्र जी ने संहार करे और राक्षसों से 14 वर्ष तो वनवास करके अयोध्या में आए। तो ये मधुवन रह गया। मधुवन में मधु दानव कीटव का एक दानव रहता था यहाँ। तो वो बड़ा रोज एक पंडित का भक्षण करता था। एक 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 पंडित रोज चाहिए। तो अब यहाँ से करीब 200 250 300 400 आदमी अयोध्या पैदल 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 गए और वहाँ भगवान श्री राम जी के लिए प्रार्थना करी, हे भगवान आप तो बड़े दयालु हैं और हमारी जो जो दुख संपन्नता जो लिखी हुई है हमें उससे मुक्त कराइए। वहाँ मधु केटव दानव रहता है। भगवान ने बड़ी प्रार्थना सुनी, आदर भाव किया पंडित लोगों का, आदर भाव करके जो शत्रुघ्न जी को उन्होंने राम भगवान जी ने उनको ऐसा जो कहा, अरे भैया शत्रुघ्न आज तुम्हारा जो है जो काम पड़े हो और आप मधुवन जाइए, मधुवन में जा करके और जो मधु कीटक को उसको राक्षस को मारो और यो पंडितन को तसल्ली दवाओ। तो वहाँ भगवान आए और शत्रुघ्न जी आए, शत्रुघ्न जी को यहाँ मधुवन को मथुरा को राज दियो। शत्रुघ्न जी का वहाँ पवित्र मंदिर है और ये मधुवन है। मधुवन में जब शत्रुघ्न जी ने मधु कीटक को वध कर करके यहाँ ये गुफा में सब संत लोग महंत जो तपस्या करने लगे, बहुत भगवान ने प्रार्थना करी, बहुत भगवान की प्रार्थना करके बड़े अच्छे सुगंध कंदमूल फल यहाँ खाए डोले मधुवन में। और फिर जब श्री कृष्ण भगवान की जो वो युग में आए तो यहाँ एक लवणासुर राक्षस पैदा हुआ था। लवणासुर को राज मधु कीटव को बेटा लवणासुर को वध कियो श्री कृष्ण भगवान ने। जगह जगह यहाँ मधुवन में राधिका नाचिरे भोर भयो भैयन के पाछे मधुवन मोए पठायो मैया मेरी मैनी माखन पायो। ये वो ही मधुवन है जहाँ जो मधु सुंदर फल हैं, पेड़ हैं, वृक्ष हैं, अनेक तरह के कंदमूल फल, अनेक तरह की जड़ी बूटी रूपणी हैं। तो ये मधुवन है। तो यहाँ फिर के पहले जमुना जी बहती थी, धीरे धीरे मर्यादा टूटते हुए और वहाँ चली गई विश्राम घाट। यही ध्रुव जो ध्रुव महाराज उत्तानपाद के राजा के लड़का है ध्रुव जी, यहीं तपस्या ध्रुव जी ने करीब 5 वर्ष के नहीं, वहाँ पर ध्रुव जी का मंदिर है यहीं। ये मधुवन बिहारी जी का मंदिर है।
ये मधुबन बिहारी जी का मंदिर। हाँ, ये मधुबन बिहारी जी का, ये लवरातुर की ये कच्ची गुफा है, अंदर ये कमरे बने हुए और दूरी तक है। अब इसके कोई पता नहीं है कहाँ जा रही है, कहाँ रुकी है। इसके अंदर थोड़ी दूर जाते हैं, अंदर जाते नहीं, जान अंदर नहीं जा पाते, नहीं जा पाते, अंदर नहीं जा पाएंगे। हम कितने सतयुग से जो रुकी हुई है। तो अंदर क्या गहरी है या फिर ये आगे समाप्त है? ऐसा है कि थोड़ी बहुत एक दो तीन कमरा जा सकते हैं, पर उससे पता नहीं कितनी गहरी है। यानी कि गहरी है काफ़ी। हाँ, काफ़ी गहरी है। इसका जो ये मनसावा टीले बोलते पाली गेड़ा पर मेन गेट एक वहाँ पर, फिर वहाँ से जन्मभूमि, जन्मभूमि से फिर विश्राम तुम्हारे कंस टीले पर यमुना किनारे पर ऐसे निकली है ये, यहाँ से वहाँ निकल रही है। हाँ, वहाँ निकल गई। तो और कभी किसी ने प्रयास किया इसके अंदर जाने का? इसमें बताते थे, हमको तो पता नहीं, जो पहले बुजुर्ग लोग बताते थे जो बैल खेती अपने जो करते थे, तो पहले मसाल जाती थी यौन सतयुग में, जो भगवान से पहले पीछे जो भय तो मसाल जड़ती थी, तो मसाल जड़ के कितनों हजारों पीपा जल कितने तेल फूके, तो मसालों के अंदर आदमी घबरा घबरा के मर गए, अंदर नहीं जा पाए, अंदर नहीं जा पाए, फिर वो वापस ही लौटे ही नहीं, लौटे नहीं। हाँ, हनुमान जी को यहाँ शत्रुघ्न जी ने विराजमान किया। तो यहाँ पे अभी हाल फिलहाल में कलयुग में किसी ने प्रयास किया इसके गुफा के अंदर जाने का? नहीं, किसी ने 10 साल में 15 साल में नहीं किया, किसी ने भी नहीं किया। पहले पट्टम्बनम मधुबनम यमुना तटे, यहाँ जैसे ब्रज 84 का ये मुख्य द्वार है, जैसे गौ के मुख में से गंगा जी बह रही है, ऐसे ही ये ब्रज 84 कोच का मुख्य द्वार है। भैया, गीता में पहले भागवत में लिखा है, भागवत में श्री ध्रुव महाराज का पहला लेख है, ध्रुव महाराज की कथा आती है भागवत में, और सब चीज में पहले ही है ब्रज 84 कोच की, जो साधु संतों की, जो पहले काठियावाड़ साधु संतों की यहाँ परिक्रमा आती है, तो वो यहीं से उठती है। यहाँ उनका फलार होता है एकादशी को, भादों की, भादों निकलते एकादशी, ये ब्रज 84 कोच की परिक्रमा की, ये मधुबन की गुफा है। मैं इस टाइम पर गुफा के अंदर हूँ, जैसे कि आपने कथा सुनी महाराज जी से, इन्होंने हमें कथा बताई कि किस प्रकार यहाँ पे जो लवणासुर की जो गुफा है, किस तरह आज भी वो वैसे ही देखने को मिलती है, और जिसने भी प्रयास किया बीते दिनों में यहाँ पे इसके अंदर जाने का, वो वापस नहीं आया। हज़ारों लीटर तेल जो यहाँ पे लग गया, मशाले ख़त्म हो गई, लेकिन अंदर इसका समापन यानी कि इसकी जो गुफा का एंड है वो नहीं आया। तो आज भी ये गुफा वैसे ही है, और इसका कोई भी एंड ऐसा नहीं है जो हम जाके आपको ये बता सके कि यहाँ पे आसानी से आप जा सकते हैं। यहाँ पे आज के टाइम पर भी किसी ने भी प्रयास नहीं किया इस गुफा के अंदर जाने का, लेकिन देखने से मैं आपको दिखाना ज़रूर चाहूँगा कि द्वार बहुत छोटा है इसका, और अगर कोई जाने का प्रयास करेगा तो शायद उसका दम शुरुआत में ही घुटने लगे, क्योंकि यहाँ पे वेंटिलेशन नहीं है कहीं से भी, खड़ा होके नहीं जा सकता, लेट के खड़े होके नहीं जा सकते आप यहाँ पे, और जो आप देख रहे हैं बहुत ही दुर्लभ दर्शन है। साथ ही यहाँ पे आपको हनुमान जी के दर्शन होते हैं, आप समीप से दर्शन कीजिए हनुमान जी। तो यहाँ पे कभी कोई मेला लगता है? वो गांव में मेला लगता है, यहाँ तो मेला लगता नहीं है। यहाँ मेला ये यह है जो एकादशी के दिन साधु संतों की जो परिक्रमा आती है, परिक्रमा शुरू होती है, तो फिर यहाँ 12 महीना फिर मेला ही चलता है, जब तक तुम्हारे अब ये बरसात में एक दो दिन महीने कम यात्री आते हैं, नहीं 1,000, 2,000, 500, 600, 4,000, 3,000 परदेशी आते रहते हैं, चलते रहते हैं। तो ये जो ये स्थान है यहाँ एक, एक, एक जो एक गेट था, ये सब गेट बंद कर दिए, यानी कि गेट थे पहले यहाँ पे। हाँ, तो ये कमरा था या फिर कैसा? ये कमरा था, पहले गुफा थी, तो हमारे जो ये बुद्धा बाबा गुरु जी है हमारे, तो उन्होंने ये कमरा बनवाए थे। प्राचीन मूर्ति भी ये हनुमान जी की उन्हीं के अंदर निकली थी, जो कमरा जो पहले कच्चे कमरा थे इसके अंदर। तो ये मूर्ति निकली है? हाँ, ये मूर्ति पहले ही अंदर ही थी, अंदर ही थी पहले। हाँ, जो शत्रुघ्न जी से राज से तभी के टाइम से थी। हाँ, जब ही के टाइम से। बहुत आनंद आया दर्शन करके, अब चलते हैं हमारे बाहर की तरफ। आइए, तो देखो बहुत नीचे है ये, बहुत झुक के मुझे जाना होगा,
बहुत बहुत ही नीचे है। अब जाके मैं यू नो स्ट्रेट हो सकता हूँ और अंदर, हालांकि अंदर वेंटिलेशन नहीं है तो आपको फील होगा थोड़ा सा यू नो गर्मी फील होगी। चारों तरफ परिक्रमा भी है, पूरी परिक्रमा है, सवेरे सवेरे शाम लोग बाग सुबह 4 बजे से परिक्रमा शुरू हो जाती है इसकी। और ये ध्रुव ताल है, ये ध्रुव कुंड है, इसे बोलते हैं ध्रुव कुंड। ये सब परिक्रमा मारे गए, इसकी चारों तरफ बाउंड्री है, इधर से पूरा ये ध्रुव कुंड है। और बड़ी अच्छी शोभा लता पता ब्रज की, ये मधुबन है, मधुबन में यही लता पता है। मधुबन में श्री कृष्ण भगवान ने कही, गोपिका बोली, अरे कृष्ण अपना जो मधुबन दिखाओ। अरे बोलो को मेरे मधुबन को क्या देखोगी आप, मेरे मधुबन में हीस करील कूप जल खारी, देव की श्याम मधुपुरी तैयारी। तो यहाँ हीस जो गोपिका आई हीसों में, उनकी जो धोती उड़ गई, चुंदरिया उड़ गई, कंकड़ पत्थर कांटे, और हीस कूप माने पानी, पानी खारी है, पानी खारी है यहाँ पे। हाँ, और जो ये कुंड हम देख रहे हैं, हाँ, ये कब बन के तैयार हुआ है, कितना समय? इसको लगभग पहले तो कच्चा था, एक पर्यटन विभाग के मंत्री आए थे, इसको 10 साल के लगभग ज़्यादा हो गए, 10-12 साल हो गई, तो पर्यटन विभाग आए थे तो पूरे ब्रज में तालाबों की वो आई थी, तो उन्होंने पर्यटन विभाग वालों ने ये तालाब बनवाया है। लगभग कितना समय हो गया होगा, 10 साल? हाँ, 15 साल करीब हो, 15 साल हो गए। हाँ, और ये गहरा कितना होगा ये कुंड? गहरा करीब होगा ये 10-12 फुट। हाँ, और अभी जैसे कि हम देख रहे हैं इसमें पानी भरा हुआ है पूरा कुंड। हाँ, तो थोड़ा आगे चल के हम दिखाते हैं सभी को। तो अभी ये नीचे से स्रोत है इसके, या फिर ये फिर बारिश के पानी से? ये बारिश के, यहाँ समरसेबल लगी हुई है, समरसेबल से भरा जाता है ये, क्योंकि कोई स्रोत वोत है नहीं है इसमें, सब आचमन करते हैं, परदेशी आते हैं जो बाहर के, सब आचमन करते हैं। और सब पहले कच्चा था ये, करीलों के बीच में छोटा सा कुंड था पहले, बहुत छोटा था, लेकिन हाँ, मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखो आप कितना विशाल कितना बड़ा कुंड है। और मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके दिखाता हूँ, यहाँ पे बहुत ही सुंदर बहुत बड़ा कुंड यह बना हुआ है, बहुत आनंद। और देखो सभी वहाँ पे स्नान भी कर रहे हैं, सभी गांव वाले, ये सब बच्चे लोग नहाते हैं यहाँ सब, जैसे कि हम देख रहे हैं बहुत ही सुंदर पूरा ये कुंड बना हुआ है। और देख के एक बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही है, मैं रियलिटी बताऊँगा आपको। और इसको कहा जाता है ध्रुव कुंड, ये लता पता श्री भगवान की, और भगवान सतयुग से राम से, और जब से श्री कृष्ण भगवान से, तो दोनों तीनों चारों युग से ही ये सतयुग के युग की जो ये ब्रजभूमि है। बर्फ का जो वो बनाया जाता है शिवलिंग, और बगैर बर्फ से ही सजाया जाता है फूलों की, उसकी करीब हजारों आदमी दर्शन करने आते हैं। तो इनका क्या नाम है इनका? इनका नाम है नागेश्वर मधुबन, मधुबन में नागेश्वर भोलेनाथ जी। नागेश्वर भोलेनाथ, एक बार दर्शन आप हमें कराइएगा। आइए सर, आइए। ये नागेश्वर मंदिर है, ये नागेश्वर प्राचीन भोलेनाथ जी का मंदिर है। तो जो हम ये दर्शन कर रहे हैं, ये प्रागट्य है या फिर ये है तो पुराने ही, बहुत जरूरी है। यहाँ भगवान श्री कृष्ण भगवान भी आए, भगवान राम भी आए, शत्रुघ्न भरत, जब लंका जरा के हनुमान जी आए तो यहाँ मधुबन में कंद मूल फल खाए। तो ये प्राचीन है, सतयुग को कितने चारों युग बीत गए, जबकि यही है मधुबन है। लेकिन जो हम जैसे कि दर्शन कर रहे हैं, ये पहली बार हमें दर्शन हुए हैं ऐसे शिव परिवार के। हाँ, तो ये पहली प्राचीन मूर्ति थी, और ये पहले ऐसे ही खनपन कोई कौन क्या चर्चा करता, किसी भक्त की सेवा हो गई, उन्होंने दोबारा ये चमत्कार करवा दिया और बनवा दिया, जैसे उन पर पैसा लगा वैसा उनने लगा दिया जी। बिल्कुल, बहुत मैं आपको समीप से दर्शन कराता हूँ, बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं इस टाइम पर, और ऐसे दर्शन मैं पहली बार कर रहा हूँ, और ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे कि कमल का फूल खिला हो, और बहुत ही सुंदर दर्शन हो रहे हैं। आप दर्शन दीजिए महादेव के, बहुत ही अद्भुत दर्शन है।
यहाँ पे आप देख रहे हैं ये संत समाधि स्थल है, और जैसे कि हमें यहाँ पे बता रहे हैं जो पुजारी जी हैं कि जो जो बड़े बड़े महंत थे उनके यहाँ पे समाधि स्थल है जो आप सामने देख रहे हैं। हाँ, शरीर छोड़ गए, कोई मधुबन बिहारी है, मधुबन में राधिका नाथी रे भोर भयो गई अन के पाछे, मधुबन मोए पठायो मैया मोरी मैनी माखन का, ये सतयुग का ही मधुबन है, यहीं श्री कृष्ण भगवान ने गाय चराई, यहीं रात किया, तो यही वो रात बिहारी हैं, छोटे से कन्हैया जी हैं, छोटी सी राधिका हैं, और ये सब लता पता उनकी हैं, ये मधुबन बिहारी जी का मन। ये सारे कदम के पेड़ हैं? हाँ, ये एक कदम के पेड़ हैं, अंदर भी बहुत कदम के पेड़ भी हैं अंदर। सुबह खुशबू बताइए आपने, खुशबू रहती है? हाँ, खुशबू रहती है इनमें, बहुत खुशबू, देसी देसी कदम है ये। कदम में तो वैसे भगवान का वास है। हाँ, वैसे ही भगवान का वास है सर जी। तो जैसे कि हमने आपको यहाँ के दर्शन कराए, कुंड के दर्शन कराए, उस गुफा के दर्शन कराए जो प्राचीन गुफा है, आपको यहाँ पे दर्शन करके कैसा लगा हमें ज़रूर बताना। लेकिन मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे आने के लिए जब भी कभी आप आते हैं तो आप मंदिर में जाएंगे, ध्रुव मंदिर में, तो आप शायद यहाँ के बारे में आपको ना पता चल पाए, क्योंकि आज हमें भी नहीं पता चल पाया था, लेकिन फिर हमें किसी भक्त द्वारा पता चला कि यहाँ पे गुफा मौजूद है और ध्रुव जी का यहाँ पे कुंड मौजूद है। तो मैं ये ज़रूर कहूँगा आपको कि यहाँ पे कभी आप दर्शन करने आए ध्रुव मंदिर में, तो आप यहाँ पे गुफा में और कुंड के दर्शन ज़रूर कीजिएगा, वो भी यही पर है, पास में ही। और हमारे साथ है आज महाराज जी, राधे राधे महाराज जी, राधे राधे। बहुत आनंदपूर्वक आपने हमें कथा सुनाई। हाँ, और उम्मीद करते हैं जो भक्त देख रहे हैं वो यहाँ पे दर्शन के लिए शीघ्र आए। राधे राधे राधे। अब मैं मंदिर से दर्शन करके आ गया हूँ, और आपने दर्शन अंदर किए, आपने कथा सुनी, और आपने जाना कि किस प्रकार यहाँ भगवान की क्या लीला रही है। और जैसे कि हमारे साथ जो आज रामचरण दास महाराज जी थे, उन्होंने बताया कि किस प्रकार भगवान श्री रामचंद्र जी की लीला रही है और किस प्रकार यहाँ भगवान श्री कृष्ण अपनी गैयाओं को चराया करते थे। आज आपने यहाँ पर दर्शन किए, आपने संपूर्ण दर्शन मैंने आपको इस वीडियो में कराए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पर आप दर्शन करने ज़रूर आए। यहाँ की लोकेशन मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स आप चेक कीजिएगा, आपको यहाँ की लोकेशन मिल जाएगी, आप डायरेक्टली यहां पे आ सकते हैं दर्शन करने के लिए। देखिए, कोई भी नहीं है, गुप्त स्थान है जो मैं आप सभी के लिए लेकर आ रहा हूं, और ऐसे स्थानों में आपको दर्शन करने कराएंगे तो आनंद की बात होगी सभी के लिए। बाकी मैं ये कहूंगा आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना। मिलते हैं ऐसे किसी नए वीडियो के साथ में, तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए मोहित व्लॉग्स। आगे ब्रजधाम के वीडियोज ऐसे आते रहेंगे हमारे चैनल पर, तो प्लीज मेक श्योर कि आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हो और बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करना, ताकि आपको सारे मेरे अपडेट मिलते रहें। आप मुझे इंस्टा, फेसबुक, ट्विटर पर ज्वाइन कर सकते हो, तीनों के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आज की वीडियो बस इतना ही, आप सभी को ध्रुव जी के यहाँ से राधे राधे।